आज मैं बनाने वाली हूँ केक। सिंपल रेसिपी ओटीजी ओवन में कैसे बनाते हैं अब बनाकर दिखाऊंगी आपको। इसके लिए चाहिए 2 कप मैदा, 1 कप शुगर। इसे मिक्सी में डालकर पाउडर कर लीजिए। 2 अंडे, थोड़ी सी ऑयल, काजू, बादाम और थोड़ी सी सॉल्ट, थोड़ी सी बेकिंग सोडा, 2 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर, थोड़ा टूटी फूटी, थोड़ा दूध, 1 स्पून वेनिला एसेंस। चलो अब बनाना शुरू करेंगे। पहले शुगर पाउडर बना लीजिए। ये शुगर को मिक्सी में डालकर ग्राइंड कर लीजिए। ऐसे शुगर पाउडर बनाकर रख लीजिए। चलो अब बनाना शुरू करेंगे। एक बाउल को लीजिए, उसके अंदर मैदा को डालिए। उसके बाद शुगर पाउडर को डालिए, जितना चाहिए उतना डाल लीजिए। शुगर कम चाहिए तो कम, ज़्यादा चाहिए तो ज़्यादा। उसके बाद 2 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर को डालिए। उसके बाद थोड़ा सा बेकिंग पाउडर को डालिए, इसे थोड़ा सा मिला लीजिए। इसे थोड़ा मिलाने के बाद उसके बाद अंडे को फोड़ कर डाल लीजिए। उसके बाद उसके अंदर थोड़ा सा ऑयल डालिए। उसके बाद 1 स्पून वेनिला एसेंस को डालिए। उसके बाद इसे थोड़ा मिला लीजिए। इसके अंदर थोड़ा सा नमक को डालिए। उसके बाद इसके अंदर थोड़ा सा दूध डालिए। उसके बाद इसे अच्छे से मिला लीजिए और थोड़ा दूध डालकर इसे मिलाते रहिए। ऐसा पेस्ट जैसा होने तक अच्छे से मिलाते रहिए। ऐसे मिलाने के बाद इसके अंदर काजू को और बादाम पीसेस को डालते हैं और टूटी फूटी को डालते हैं। मिलाने के बाद ये अब रेडी कर लिए। अब ओवन को प्रीहीट करते हैं। इसके लिए यह है ओटीजी ओवन। अब इसे 180 डिग्रीज में रखेंगे और 2 रॉड्स को रखेंगे, 2 रॉड्स हीट, और 10 मिनट्स इसे हीट करके छोड़ेंगे। और ये हीट हो रही है। उसके बाद हम उसे बाउल में डालेंगे पेस्ट को। एक एनी सिंबल वाला बाउल को लेंगे, उसके अंदर थोड़ा ऑयल डालकर पूरा लगाएंगे।
ऐसा पूरा लगाने के बाद ये साइड्स में भी पूरा लगाइए, नहीं तो केक निकलना आसान नहीं रहेगा। उसके बाद इसके अंदर थोड़ा सा मैदा को डालिए और इसे पूरा स्प्रेड कर लीजिए, साइड्स में भी स्प्रेड कर लीजिए। ऐसे पूरा स्प्रेड करने के बाद इसके अंदर के पाउडर को ऐसा पलटा कर इसे दो बार टपक लीजिए, इसके अंदर पाउडर चले जाएगा। इसे साइड रख लीजिए। इसके बाद इस पैटर्न को उसमें डालते हैं। ऐसे डालने के बाद इसे दो बार ऐसा टपकिए, जहाँ भी बॉल्स जैसा होल जैसा रहेगा ना वो सब क्लियर हो जाएगा। इसीलिए अब ओवन प्रीहीट हो गया है, अब इसे उसके अंदर रखेंगे। अब इसके अंदर रखेंगे, क्लोज कर देंगे और 20 मिनट्स रखकर इसे पका लेंगे। 20 मिनट्स के बाद केक रेडी हो जाएगा। देखिए केक फूल रहा है, थोड़ा ऊपर तक आया है। 10 मिनट्स हुआ है और 10 मिनट्स रहनी है। इसके बाद ठंडा होने के बाद केक को बाहर निकालेंगे। ऐसी बन रही है और थोड़ा देर रहना चाहिए। केक रेडी होने वाली है और थोड़ा देर पकने के बाद निकाल लीजिए। अब केक रेडी हो गई है, इसे थोड़ा देर के बाद बाहर निकालेंगे। अब इसे बाहर निकालते हैं। केक रेडी हो गई है, ये अंदर तक पका है कि नहीं कि देखेंगे। ये टूथपिक है, इसके अंदर दबाएंगे, इसे तोड़ा भी नहीं लगा तो अंदर तक ये पूरा पक गया है। इसे थोड़ा देर ऐसे ही छोड़ देते हैं, ठंडा होने का बाद इसे फलट कर निकालेंगे। ऐसा घर में केक बनाकर बच्चे को हैप्पी बर्थडे का दिन भी रख सकते हैं। आप इसे घर में ज़रूर ट्राई करिए। ऐसे साइड धीरे से साइड ऐसा कर कर कोने पूरा, उसके बाद इसे पलटते हैं। देखो गैप कितना है, ये इजी से ही आ जाएगा। ऐसा एक प्लेट में लेते हैं, अब इसे पलटाते हैं। इजी से आ गया है, अब इसे पलटाइए। गरम गरम केक, सिंबल वाला केक रेडी हो गई है। केक रेडी हो गई, कैसा लगा मेरा ये वीडियो? अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। बाय फ्रेंड्स, हैप्पी बर्थडे। केक रेडी।